की तो बहुत लोग हंसेंगे, मैं कैसे करूंगी। अजीत मालाकर सर, प्रत्येकेर व्यवहार कोऑर्डिनेशन एत। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। एक ब्रांड जो परंपरा के चलन को साथ जोड़ता है और पुराने कढ़ाई सिलाई शैली और हाथ से बुनाई के पैटर्न को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रम के द्वारा स्थिरता में विश्वास करता है और उस ब्रांड को कुछ और नहीं, आबरू के नाम से हम जानते हैं। आबरू किसी परिचय का मोहताज नहीं है और वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 के उपलक्ष्य में आइए हम उनका फैशन शो देखते हैं, रैंप वॉक, और उसके बाद में इसके मॉडल्स के साथ में हम वार्तालाप करके चीज़ों को और स्पष्ट समझते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्ते, नमस्ते। आप अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको आज रैंप शो करके कैसा लगा इस ब्रांड के साथ। बिल्कुल, मेरा नाम रितिका घोष है। आज के डेट पे ऐसा शो देखना एंड ऐसा थीम लेके आना इज़ वेरी डिफरेंट। शो, मॉडलिंग शो, फैशन शोज बहुत होते हैं, इवन की डिज़ाइनर वॉक भी बहुत होते हैं, लेकिन इस टाइप का ये बहुत ही डिफरेंट है। ये थीम बेस्ड है एंड ये टोटली थीम ये बेस्ड पे है कि इको फ्रेंडली होना चाहिए बेस्ड ऑन टूरिज्म। ऑल राइट, हम लोग टूर पे जाके कैसे कैसे ड्रेस हम लोग पहनते एंड वो नज़र के रखते सबको इस टाइप का ड्रेस प्रोवाइड करना एंड वो भी कंफर्टेबली, और सेकेंडली ये रिसाइकल ड्रेस है। ऑल राइट, सो ऐसा गेटअप लेके आना लोगों के सामने एंड दिखाना कि इको फ्रेंडली ड्रेस कैसे होते हैं, कैसे हम लोग कैरी कर सकते हैं, इट्स अ वेरी यू नो प्राउड यूनिक फीलिंग। इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड इट्स वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी कि मैं उनके साथ काम कर पाई। एक अच्छा ऐसा ऑफर आया मेरे पास, मैं बहुत खुश हूँ एंड उनके साथ डेफिनेटली इन फ्यूचर भी मैं और काम करना चाहूँगी। आज के दिन पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे सोसाइटी को? सोसाइटी को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आगे बढ़िए। ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब जो भी आपका मन चाहे आप कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं ये करना नहीं सकती, मैं कर नहीं पाऊँगी, या फिर ये मैं कर नहीं पाऊँगी, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आप आपका जो भी मन चाहे, आप जो पसंद करते हो, जस्ट कम फॉरवर्ड कीजिए एंड बी एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी एंड टू आर नेक्स्ट जनरेशन की अगर मैं कर पाती हूँ तो आप लोग भी कर पाएंगे। मैं एक प्लस साइज मॉडल हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत मॉडल्स हैं जो लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं अगर स्टेज पे जाऊँगी तो बहुत लोग हंसेंगे, मैं कैसे करूँगी। तो आज मैं यहाँ पे हूँ, आई थिंक आई एम सेटिंग एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी कि अगर मैं कर पा रही हूँ तो डेफिनेटली आप लोग भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और ये चीज़ को बरकरार रखते हुए और भी हम लोग आगे जाएंगे एंड डेफिनेटली इस ब्रांड के साथ और काम करने की इच्छा रखते हैं। आपको बेस्ट ऑफ लक हमारे पूरे टीम की ओर से। थैंक यू सो मच ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर। थैंक यू। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का ये आबरू बुटीक के साथ में इस बैनर तले ये फैशन शो करते हुए? প্রথমেই বলি আমি সতর্পা চক্রবর্তী, আমি একজন মডেল, সোশ্যাল ওয়ার্কার, তার সাথে আমি একজন হোম মেকার। যবে থেকে এই ফ্যাশন শোর অফারটা আমি পেয়েছি তবে থেকে আবরু ব্র্যান্ডের সাথে আমার পরিচিত হয়েছি। আমি পরিচয় হওয়ার পর ওনাদের ডিজাইন এবং কাপড়ের কোয়ালিটি আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। এছাড়াও ব্র্যান্ড ওনার রুমা ম্যাম এবং বাসুবি ম্যাম, এছাড়াও আমাদের যে গ্রুমার রয়েছেন জিৎ মালাকার স্যার, প্রত্যেকের ব্যবহার কোয়ার্ডিনেশন এত ভালো, আমাদেরকে এত সুন্দরভাবে গাইড করেছেন যে আমরা ভীষণভাবে এনজয় করেছি, আমরা ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। কে নামে আপনার? আমার নাম সতরূপা চক্রবর্তী। ও সতরূপা ম্যাম, আগে অর ফিউচার প্ল্যান আপনার কে হ্যায়?
ফিউচার প্ল্যান তো অবশ্যই ওনাদের সাথে আরও বেশি কাজ করার আশায় রয়েছি, কেননা ওনাদের যে একটা ভীষণ একটা স্পেশালিটি সেটা হচ্ছে ওনারা সব রকম মডেলদের সাথে কাজ করছেন এবং স্পেশালি মেন্টালি চ্যালেঞ্জ বাচ্চাদের সাথে কাজ করছে, যেটা আমাকে ভীষণভাবে টাচ করেছে। আর তাছাড়া ওনাদের যে থিম, যেটা ওনারা যে ড্রেসটার এই ইকো ফ্রেন্ডলি ড্রেস ফ্যাশন শোয়ের জন্য থিম রেখেছেন, এবং আমাদের যে ড্রেসগুলো ওনারা বানিয়েছেন সেগুলো যে সব কিছুই ব্যাক ইন ফর্মে তৈরি, সেটা ভীষণভাবে অভিনব, এবং তার জন্য ওনাদের সাথে আমি আবার কাজ করতে ভীষণভাবে উৎসাহী। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম।